लग गए, ये मेरे कटिंग और प्लांट्स तैयार हो गए हैं, ये सारे मेरे बेबी संडोज। दो पॉट से कितने सारे पॉट मेरे तैयार हो गए, देखिए दोस्तों इस तरह से कितना सारा मेरा बेबी संडोज रेडी हो गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबी गार्डनिंग में। दोस्तों अब ये देखिए, ये मैंने ठीक कर दिए हैं जैसे तैसे, और जो टूट गई थी ब्रांचेस वो मैंने हटा दी हैं, लगा दी हैं। इतनी गर्मी में अगर चल जाएंगी तो ठीक है। और ये देखिए कितना हाल बंदरों ने क्या किया है सारा। और आज मैं बेबी संडोज पे बात करने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा बेबी संडोज बहुत ही खूबसूरत प्लांट है समर का। समर में उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है, उसकी लीव्स भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। लीव्स में एकदम शाइनी लुक आता है और मोटी मोटी सी होती हैं, बेहद ही खूबसूरत होती हैं। ये मेरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये वाला वाइट है, बाहर वाला पिंक है। और इसमें ये गुच्छों में इसकी मैं प्रूनिंग नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैं कर दूंगी। ये देखिए नीचे से लंबा लंबा हो रहा। प्लांट्स की केयर करनी पड़ती हर तरह से। ये भी मेरा देखिए टेम्पर्ड वाइन है जो मैंने कटिंग से ग्रो की है। अब ये फैल रही है, इसको भी अब मुझे ठीक से फैलाना है, स्पेस देना है। दिखाते हैं आपको बेबी संडोज। ये मेरा अपराजिता वाइट वाला, और यहाँ से वो हटा के मैंने इसको फैला दिया है, क्योंकि उसको उसकी ग्रोथ कम होती है। अपराजिता की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए मैंने इधर पर्पल वाला रख दिया, इधर वाइट रख दिया। वाइट एंड पर्पल जब एक साथ मिक्स होंगे तो देखने में लुक ज़्यादा सुंदर आएगा, इस वजह से। चलिए दिखाते हैं आपको। ये मैंने वंडरिंग ज्यू भी मैंने ठीक किया है, कि बेकार हो रहा था, तो इसको भी मैंने ठीक किया हुआ है। अब ये देखिए, ये है हमारे बेबी संडोज। और जो छत पे मैंने बेबी संडोज लगाए थे वो मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए थे ऊपर हैंग करने के लिए। ये मैंने यहाँ से ये कटिंग ले लेके उनको मैंने तैयार किया था, और वो सारे ही प्लम्बर ने एसिड उधर ही फेंक के सब बेकार कर दिए मेरे बेबी संडोज। और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, वैसे इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन और ये हमारा बेबी संडोज का प्लांट उधर जहाँ पे कम धूप आती थी वहाँ पे रखा था, तो ये बहुत ही लस ग्रीन था। आप लोगों ने देखा होगा स्टैंड पे जो प्लांट के पास में था, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी और एकदम से ग्रीन ग्रीन इस तरह से था। और ये वाला हमारा धूप में ही था हैंगिंग में ले। और देखिए इसमें पानी तो मैं डालती थी, लेकिन ऊपर हैंगिंग में ज़्यादा पता नहीं चलता है कितना पानी जा रहा है कितना नहीं, इसमें तो दिखता था। और इसको मैंने धूप में रखा कि शायद कम धूप की वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसकी लीव देखिए किस तरह से येलो येलो हो गई हैं। क्योंकि जो हम हों या प्लांट हों, जो जैसे जिस माहौल में एटमॉस्फेयर में रहता है ना, उसको वैसी ही आदत हो जाती है। इसको जो शेड की आदत हो गई थी, इस वजह से ये जब धूप में आया तो ये उसको झेल नहीं पाया। और इसकी पत्तियाँ देखिए कैसी हो गई हैं। बहुत सी लीव्स तो हमने यहाँ की सारी रिमूव की हैं, पर ये फिर भी ऐसी होती जा रही हैं। तो आज मैं इसी बेबी संडोज पे ही वर्क करने जा रही हूँ। और बेबी संडोज प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है बास्केट में हैंग होता हुआ, क्योंकि इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस नीचे को हैंग होती हैं इस तरह से, तो ये पॉट में भी अच्छा लगता है और इसमें भी। और इसको घना करने के लिए इसकी पिंचिंग करनी पड़ती है,
जैसे कि हमें अदर प्लांट्स में काम करना पड़ता है वैसे ही इसमें भी करना पड़ता है। पानी की कमी से ये देखिए सूख रही है ब्रांचेस। इस साइड की तो ग्रीन ग्रीन है, हमें इस साइड की ब्रांचेस दिख रही थी, उस साइड की उस और थी, उधर मुझे दिख नहीं रहा था कि क्या हाल है। तो ये देखिए अब मैं इसी पे मैं काम करूँगी। जितनी सूखी ब्रांचेस हो गई हैं इनको सबको मैं कट करके हटा दूंगी इस तरह से। ये देखिए इसमें ये मतलब ग्रीन भी हैं तो इनको नहीं फेंकूंगी, इनको मैं फिर से लगा दूंगी इस तरह से। ये निकाल दूंगी ये जो ड्राई ब्रांचेस हैं इस तरह से। देखिए लंबी लंबी होके इससे क्या प्लांट का लुक अच्छा नहीं आता है इस वजह से। वैसे तो कोई भी फ़र्क नहीं है पर देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। अब ये जब हम हटा देंगे क्लीन कर देंगे तो देखिए अब वही प्लांट है, वही बास्केट है, देखने में अच्छी लगने लग गई है इसलिए। और ये भी सूख रही है, ये भी सूख जाएगी तो इसलिए इसको पहले से ही कट कर दें हम, क्यों सूखने का इंतज़ार जब हमको कट करना ही है इस तरह से। जब ये होने लग जाए ब्रांचेस तो समझिए सूखने के लिए तैयार हो रही हैं कि हमें तो सूखना ही है, तो इससे अच्छा इनको हटा ही दो इस तरह से। ये देखिए इसमें जान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इनमें जान है ही नहीं। ये देखिए इस तरह से देखिए है, हो सकता है मैं पानी तो मैं बस एक ही टाइम इसमें दे रही थी मॉर्निंग में, तो हो सकता है पानी की कमी से ऐसा हुआ हो जाता है कभी कभी। हम लोग अपनी समझ से तो अच्छे से पानी देते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी है वेल ड्रेन, तो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाता है। बेबी संदोष की मिट्टी भी बिल्कुल वेल ड्रेन ही तैयार करनी है क्योंकि इसमें अगर पानी रुक गया तो फंगस लग जाएगी इस वजह से। इन सब को फेंकना नहीं है, इन सब की कटिंग लग जानी है आराम से, तो इसलिए हम इन सब को फेंकेंगे नहीं, इन सब की कटिंग लगा लेंगे। देखिए वही बास्केट है, अब देखिए देखने में खूबसूरत लग रही है। और ये न्यू जो बेबी निकले हैं जो किल्ले आए हैं इनसे बास्केट फिल होके और भी खूबसूरत हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसकी भी ये सारी ब्रांचेस में कट कर दूंगी। ये देखिए इसकी सारी ब्रांचेस मैंने कट कर दी, अब ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है। इतनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं और कितनी सारी ब्रांचेस तो मैं लगा चुकी हूँ और वो सारी बेकार हो गई, तो फिर से मैंने दोबारा भी इसी में से ब्रांचेस कट करके लगाई थी। अब ये मैं लगाऊंगी तो मेरा एक और पॉट रेडी हो जाएगा, जिससे कि चाहे आप हैंगिंग तैयार करना चाहे हैंगिंग तैयार करिए, और पॉट तैयार करना है तो पॉट तैयार कर लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें आप इसको लगा दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों मैंने ये अच्छे से अच्छी वाली सब निकाल ली हैं और इनकी जो बेकार लीफ थी ये येलो वो भी मैंने अलग कर दी हैं। और इनकी ये जो इस टाइप से ब्रांचेस हैं क्योंकि जो जितनी भी येलो लीव्स थी वो मैंने इनकी निकाली तो ये सिर्फ स्टेम रह गई, तो मैंने इनको भी मैंने रख लिया, इनको भी फेंकूंगी नहीं, इनको भी मैं लगाऊंगी। और इस तरह से इसमें जो है रूट्स भी निकलती हैं, देखिए ये रूट्स निकल के ये मिट्टी में पहुंच गई थी तो ये यहाँ से भी इस तरह से रूट्स निकलती हैं। अभी बारिश में अच्छी निकलेंगी, तो आपको नए प्लांट्स तैयार करने और अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो आप इस तरह से जहाँ से रूट्स हो वहीं से कट करके मिट्टी में आप लगाइए, आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और अभी मैं इसकी कटिंग भी मैं लगाती हूँ दिखाती हूँ।
कटिंग लगाने के बाद हमें उस पॉट को या जिसमें भी आपने ग्रो बैग में लगाया है उसको शेड में ही रखिएगा जब तक आपका प्लांट चल ना जाए, और जब ग्रो हो जाए तो उसे धीरे धीरे ही धूप में लाइएगा। एकदम से नहीं, नहीं एकदम से वो अपनी लीव्स जो है येलो कर देगा। ये देखिए मैं बास्केट लाई हूँ, इसी टाइप की बास्केट में बेबी सनरोज है, इसी टाइप की बास्केट एक ये और ले आई हूँ, तो मेरे पास दो बास्केट हो जाएंगी सेम। और ये मैंने फंगीसाइड डाल दिया है ताकि मिट्टी में हमारी कटिंग जब लगे तो उसमें किसी प्रकार की फंगस वगैरह या किसी प्रकार से उसमें कोई परेशानी ना आए। और ये दो चम्मच मैंने नीम खली डाल दी है, क्योंकि नीम खली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र सभी काम करती है। नीम खली बहुत अच्छी होती है हमारे प्लांट्स के लिए, कटिंग लगाते समय भी हमें डाल देनी चाहिए जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से लग जाती है। अब इसमें हम पानी भी डाल देंगे जिससे हमारी मिट्टी नम हो जाए, जिससे कटिंग लगाने के बाद हमें पानी ना डालना पड़े, क्योंकि कटिंग के बाद जब हम पानी डालते हैं तो कटिंग हिल जाती है, मिट्टी इधर उधर जब अपने आप ही खिसकती है तो उसमें कटिंग भी हमारी हिल जाती है। इसलिए हम अभी ही अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे जिससे कि ये मिट्टी हमारी बैठ जाए। और आप चलिए दिखाते हैं ये हमारे जो प्लांट हैं इनमें हमें क्या वर्क करना है। इस तरह से इसको अभी पानी एब्जॉर्ब होने देंगे, तब तक हम इस पे वर्क करेंगे। इसकी हम गुलाई कर देंगे हल्की हल्की साइड से, जहाँ पे हमारी स्टेम नहीं है वहाँ पे इस तरह से हम गुलाई करेंगे। हमारे पास जितने भी पॉट हैं हम सभी की कर लेंगे। और अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है और आपका प्लांट हेल्दी है बट फ्लावरिंग नहीं आ रही है और तो उसी का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। और अगर हेल्दी नहीं है तो आप इसमें अभी समर है तो गोबर की खाद मत दीजिएगा, आप वर्मी कंपोस्ट दो तीन चम्मच दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट इतना गर्म नहीं होता है, मेरे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, अगर आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही तो गोबर की खाद आप थोड़ी सी दे सकते हैं, नहीं तो गोबर की खाद पानी में दो दिन के लिए भी भिगा दीजिए, तो तीन दिन भीगने के बाद आप वो दे दीजिए तो आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा और खाद भी मिल जाएगी। हमारा प्लांट तो सही है तो बस इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए तो देखिए मैं एक चम्मच हमने बोन मिल लिया है तो हम इसके रिंग में बोन मिल डाल देंगे। और अगर आप लोग बोन मिल नहीं छूते हैं तो आप रॉक फास्फेट भी आता है वो आप डाल सकते हैं। बोन मिल दिया और ये देखिए हमारा आलू का है, आलू मैंने सुखा के आलू और केला सुखा के मैंने ये पीस लिया था, तो ये एक चम्मच देखिए मेरा चम्मच ना बड़ा है तो आपका अगर स्पून बिग साइज का है तो एक लीजिएगा और छोटा है तो दो ले लीजिएगा। पॉट आपका और प्लांट आपका की कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी खाद पॉट में डालते हैं। और ये ऑर्गेनिक खाद जो ये घरेलू होती है इनसे तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, अगर ज़्यादा भी हो गई ना तो भी नहीं होता। और ये फुल सनलाइट का प्लांट है इसलिए आपको फुल सनलाइट में ये प्लांट अपना रखना होगा तभी इसमें फ्लावरिंग आएगी। इसी चक्कर में मैंने इस प्लांट को धूप में रख दिया था पर इसको हैबिट हो गई थी शेड की, इसलिए इसकी लीव्स जो हैं जल गई हैं, येलो येलो हो गई हैं। ये मतलब शॉक्ड होते हैं तब भी अपनी लीव्स को येलो कर देते हैं प्लांट्स, क्योंकि इस तरह से मैंने इसकी भी गुलाई कर ली है। इसमें भी मैं एक चम्मच दे दूंगी इस तरह से, जिससे कि अब ये देखिए बास्केट में से पानी पूरा ड्रेन आउट हो गया है, इतनी वेल ड्रेन मिट्टी है। ये देखिए इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है कि बास्केट में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना, ये देखिए सारा पानी
ड्रेन आउट हो गया है और मिट्टी हमारी गीली हो गई है। अब हम इसमें प्लांट की जो कटिंग है वो हम लगा देंगे। और इनमें भी दोनों पॉट में मैंने फर्टिलाइजर दिया है, तो खूब अच्छे से हम वाटरिंग कर देंगे। इसमें अभी हम ये सब कुछ नहीं डालेंगे, बस सिंपल नीम खली मैंने डाल दी है। खाद इसमें है पहले से, और जो मतलब पहले की है वही है, मैंने अभी खाद नहीं डाली, मिट्टी में ऑलरेडी पहले से है। और मैंने फंजीसाइड डाल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी रूट है, तो इसको मैं ऐसे होल करके इस रूट को इसके अंदर ही मैं रख दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी, क्यों इसमें ऑलरेडी रूट है इस तरह से। और अब हम कुछ भी नहीं इनमें हम लगाते हैं, ना एलोवेरा ना कुछ, ये ऐसे ही चल जाती हैं बहुत आसानी से। बस ये जो नॉट होते हैं ना, जहाँ पे लीव्स, ये जरूर मिट्टी में जाएं, कम से कम दो तो जाएं ही, जिससे कि कहीं ना कहीं से तो रूट्स बाहर आ ही जाएगी। ये देखिए, इसमें छोटी छोटी रूट्स आ रही थी, ये देखिए इस तरह से ये आती हैं बरसात में। अब मैं इसको लगाऊंगी तो ये बहुत जल्दी से डेवलप होंगी, क्योंकि इसमें रूट्स पहले से है इस वजह से। अब हम इस तरह से ही अपनी पूरी बास्केट, ये मेरी फिल हो जाएगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। एक चीज़ और आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आपको प्लांट लगाना है, किसी के पास भी आसपास है, तो आप ये प्लांट सिंगल लीव से भी, इस तरह से अच्छी लीव्स हो, थोड़ी सी हेल्दी, तो और ये पूरा यहाँ तक हो भाग, तो ये सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट होता है दोस्तों, मैंने किया हुआ है। मैंने ये बेबी सनरोज मोल नहीं लिया है, मैं इतनी छोटी सी मैं कटिंग लाई थी, इतनी छोटी सी, उसी छोटी सी कटिंग से मैंने इतना बेबी सनरोज मैंने तैयार कर लिया है, इतना मेरा बेकार भी हो गया है। तो इस तरह से आपको अगर कटिंग नहीं मिलती है, ये लीव्स भी अगर मिल जाती हैं, तो यहाँ से बिल्कुल लीजिएगा लीव्स और मिट्टी में लगा दीजिएगा, किसी भी पॉट में, किसी भी प्लांट के साथ में ही जो होती है साइड में मिट्टी, तो ये आपकी ग्रो हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप लोग हम अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।